हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। मैं आपका दोस्त चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुख। आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डोरेमोन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लीजिए और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5। जब डोरेमोन को 22वीं सदी में मात्सुशिवा रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के वजह से उसे रोबो टूल से निकाल दिया गया, और जिसे बाद में शेवाशी ने पसंद करके नोबिता के मदद के लिए भेज दिया था पास्ट में। फैक्ट नंबर 4। डोरेमोन के लेखक जब अपनी नई मांगा के लिए आइडिया सोच रहे थे, तब उनको अपनी सीढ़ी पर एक बिल्ली दिखी, तो उन्होंने उस बिल्ली और दारुमा डॉल को देखकर एक बिल्ली बनाने का कंसेप्ट तैयार किया। इसलिए डोरेमोन हमें बाकी बिल्लियों से अलग दिखता है। फैक्ट नंबर 3। डोरेमोन की प्रसिद्धि को देखते हुए जापान के कावासाकी क्षेत्र में 3 सितंबर 2011 को फुजिको एफ फुजियो नाम से म्यूजियम खोला गया था, जहाँ डोरेमोन से जुड़े ऐसे आकर्षण है जो कि डोरेमोन के प्रसंग को या फैंस को वहां आने के लिए मजबूर करते हैं। फैक्ट नंबर 2। आप स्क्रीन में एक लड़के को देख सकते हो। अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या है तो आप सभी लोग एक ही जवाब दोगे कि इसका नाम जियान है, पर असलियत में इसका नाम है ताकेशी गोड़ा, जो कि भविष्य में एक बिजनेसमैन बनेगा। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 को सुनने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो, और इस वीडियो को एक लाइक करना जरूर ना भूलना। क्या आपको पता है 2008 में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डोरेमोन को जापान की विदेशी मिनिस्टर ने डोरेमोन को पहला एनिमे एम्बेसडर चुना था। Oh my God! Wow! तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।